हाय, वेलकम टू माय चैनल। मेरा आर्ट चैनल पे आप सबका स्वागत। मेरा यूट्यूब चैनल पे पहला वीडियो का स्केच अपलोड नहीं है, इसीलिए बहुत सारा स्टूडेंट का ड्राइंग बनाने के लिए तकलीफ हुआ है। स्केच और कलर का एक साथ करने पे वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, इसीलिए स्केचिंग पार्ट अलग और कलर पार्ट भी अलग है। सो आज का वीडियो स्केचिंग पार्ट का, उसका बाद कलर पार्ट भी आ ही जाएगा, आप लोग थोड़ा सा इंतज़ार कर लिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स सी। आप जो भी ड्राइंग बनाना चाहते हो, पहले उसका आउटलाइन ड्राइंग बनाना बहुत ही ज़रूरी, इसलिए मैं भी आउटलाइन करता हूँ। आउटलाइन ड्राइंग करने के लिए थोड़ा सा लाइट पेंसिल यूज़ करना बेहतरीन होगा, और उसका बाद आप फ्रेश स्केच के लिए 2B पेंसिल यूज कर सकते हो। मैं तो आउटलाइन के लिए H और फ्रेश स्केच बनाने के लिए 2B यूज करिए। सो चलिए देखता है आउटलाइन ड्राइंग किस तरीका से बनाता हूँ मैं। सो प्लीज वॉच दिस फुल वीडियो। आउटलाइन ड्राइंग करने का एक फायदा तो है, आउटलाइन ख़त्म होने का बाद फ्रेश स्केच के लिए आपको इरेजर भी ज़रूरत नहीं पड़ती। सो आउटलाइन इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट। आउटलाइन ड्राइंग करने के बाद बार बार इरेजर का ज़रूरत नहीं होता, सो इसीलिए आउटलाइन करना बहुत ही ज़रूरी। आउटलाइन ड्राइंग लाइट पेंसिल से इसीलिए करता है, स्केच ख़त्म होने के बाद आउटलाइन ड्राइंग इरेज करना ज़रूरत नहीं होती, इसीलिए आउटलाइन ड्राइंग का पेंसिल थोड़ा सा लाइट होने का बहुत ही ज़रूरी। पेंसिल का साथ साथ आपको भी थोड़ा सा लाइट प्रेशर का साथ आपको आउटलाइन ड्राइंग बनाना है। सो पेंसिल भी लाइट होना ज़रूरी है और आपका प्रेशर भी लाइट होना बहुत ही ज़रूरी है। मेरा आउटलाइन ड्राइंग ख़त्म हो चुका है, उसका बाद 2B पेंसिल यूज़ करके फ्रेश ड्राइंग
बनाना है। देखता है किस तरीके से अब आउटलाइन का सहारा लिया और फ्रेश ड्राइंग बनाता है। आउटलाइन का बाद फ्रेश ड्राइंग बनाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। मैं तो एक प्रॉपर बंगाली हूँ, इसलिए हिंदी बोलने में थोड़ा सा तकलीफ़ होता है। आउटलाइन ड्राइंग करने के बाद फ्रेश स्केच बनाने में कोई तकलीफ नहीं होता है, इसलिए आउटलाइन ड्राइंग बहुत ही ज़रूरी।
हमारा स्केचिंग पार्ट ख़त्म हो चुका है, कलर पार्ट बहुत ही जल्दी आ रहा है, आप लोग थोड़ा सा वेट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।